हेलो गाइस, माय नेम इज शिवम श्री, आई एम द आर्टिस्ट बिहाइंड स्केच पेस्ट्री। आज हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। एक छोटा सा प्रैक्टिस वीडियो है ये, तो मैं सिंपली एक मैंने कैमलिन का जो कैनवस बोर्ड होता है उसको यूज़ किया है यहाँ पे, और एक अर्बन स्केचिंग टाइप कह सकते हो, एक सिंपल सा पेंटिंग, एक सिंपल सा बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैंने बेसिक स्ट्रक्चर जो पेंसिल से मैंने आउट ड्रॉ कर लिया, मैंने ड्रॉ कर लिया है कि मुझे कहाँ पर जो कंपोजिशन होगा वो कैसा होगा, और उसके बाद अब मैं यहाँ पे पोस्टर कलर अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं बेसिकली जो मेरे बेसिक शेप्स थे, मेरे बेसिक स्ट्रक्चर है कि कहाँ पे ग्रास होगा, कहाँ पे ट्री होगा, कहाँ पे बिल्डिंग होगी, या फिर कौन सा कलर कॉम्बिनेशन कहाँ पे होने वाला है, ये सारी चीज़ें मैंने पहले डिसाइड कर ली है, और उसके बाद अब मैं कलर्स इसके ऊपर पुट कर रहा हूँ। अब ये आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो, अलग अलग आप हो सकता है तो पहले कलर कर सकते हो एंड देन बाद में, हो सकता है अगर आप रेगुलरली ये चीज़ कर रहे हो तो आपको पेंसिल आउटलाइन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बट मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे पेंसिल की आउटलाइन बना के दिखा रहा हूँ कि किस तरह से मैं स्काई को डिफर कर रहा हूँ, ग्रासेस को अलग डिफर कर रहा हूँ, और फिर बिल्डिंग को अलग डिफर कर रहा हूँ। अब इसमें जो सीखने वाली चीज़ है, जो करने वाली चीज़ है, वो ये है कि आप बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन के साथ खेल सकते हैं, क्लाउड के साथ खेल सकते हैं, आप ग्रासेस के साथ खेल सकते हैं, बिल्डिंग के साथ खेल सकते हैं। यहाँ पे आप लिमिटेड नहीं है, आपका पैलेट लिमिटेड नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये एक प्रैक्टिस है, तो आप कुछ खुद से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आपको किसी रेफरेंस इमेज को फॉलो नहीं करना है। अगर आप स्टार्ट के लिए रेफरेंस इमेज लेना चाहते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हैं ताकि आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सही हो जाए। हमारे चैनल पे ऑलरेडी अर्बन स्केचिंग के वीडियोस अपलोडेड हैं, अगर आपको अर्बन स्केचिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप सीखना चाहते हो तो आप उस सीरीज़ को ज़रूर देखें, और वहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी नॉलेज जो आपको चाहिए अर्बन स्केचिंग के लिए वो आपको मिल जाएगी, जहाँ पे आप बिल्डिंग्स या फिर पेन से कैसे करना है या फिर वाटर कलर से कैसे करना है तो वो वहाँ पे मिल जाएगा। मैं एक बार जब मेरा कलर सूख जाता है कैनवस के ऊपर तो मैं एक पेन से लेकर के यहाँ पे मैं एक नॉर्मल ब्लैक पेन यूज़ कर रहा हूँ जो कि जेल पेन के टाइप का है वहाँ पे कैनवस के ऊपर, क्योंकि मुझे मोटा पेन चाहिए था जो कि बेसिकली उसके ऊपर चले। आप ये सेम चीज़ कैनवस पे ना करके आप पेपर पे भी कर सकते हो। मैंने कैनवस इसलिए लिया था क्योंकि कैनवस मेरे पास था, एक तो पड़ा था, तो मैंने सोचा उसको यूज़ कर लिया जाए। और साथ ही आप पेन का यूज़ कर सकते हो, आप वाइट पेन का यूज़ कर सकते हो, और आप पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। सिंपल, अगर आप वाटर कलर ले रहे हो, वाटर कलर यूज़ कर रहे हो, तो आप सिंपल 300 जीएसएम का एक पेपर यूज़ करें जो कि बहुत अच्छा रहेगा आपके स्केच के लिए। सिंपली अपने बिल्डिंग को, अगर आपने रेफरेंस लिया है तो उसके रेफरेंस को देख देख के सिंपल आपको बस आउटलाइंस क्रिएट करना है, छोटे छोटे लाइंस क्रिएट करने हैं जो बेसिकली उसके अंदर का जो डिटेल है वो भरेगा। और आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो पर्सपेक्टिव है, जो हाईलाइट्स एंड शेडोज़ है, वो परफेक्टली आपके जो कैनवस पे है, जो कलर पे है, वो दिखे। बाकी सारी चीज़ें आपको बस एक्सपेरिमेंट करते जाना है कलर कॉम्बिनेशंस के साथ, चीज़ों के साथ। इससे आपको नई नई चीज़ सीखने को मिलती है, आप एक्सपेरिमेंट करते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पर बहुत सारी नई नई चीज़ें करते रहते हैं। अगर आपको कोई कमेंट करना, आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अर्बन स्केचिंग का वीडियो हमारा ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, साथ ही हमारा जो बॉडी एनाटॉमी के वीडियोस हैं वो भी अभी चैनल पे अपलोड हो रहे हैं धीरे धीरे करके, और अपलोड होंगे। इसके साथ में रियलिज्म की सीरीज़, चारकोर की सीरीज़, ग्रेफाइट की सीरीज़, ये ऑलरेडी अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा, हर चीज़ का ग्रुप बनाया गया है। आपको कोई वीडियो अगर पसंद आता है तो आप ज़रूर उसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो वीडियो का रीच है वो बढ़ सके। इससे मुझे भी मदद होती है, मुझे भी पता चलता है कि आप तक वीडियो पहुंच रही है। इस तरह से आप बेसिक जो छोटे छोटे प्रैक्टिसेस हैं उसको आप कर सकते हो, जो छोटे छोटे एक्सरसाइज कर सकते हो, जिससे बेसिकली आपको आइडिया आएगा कि आपको क्या करना है, क्यों करना है, और क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है आपके पास। इस तरह से मैंने छोटे छोटे ब्रांचेस और ये इलेक्ट्रिक फेंसेस टाइप बना दिया यहाँ पे, एक कॉम्पोजिशन के लिए बेसिक चीज़ें कर दी। इसके बाद मैं वाइट पेन लेकर के जहाँ पे हाइलाइट्स मुझे चाहिए वहाँ पे मैं हाइलाइट्स दे दूँगा, और जो बेसिक जहाँ पे डार्क चाहिए वहाँ डार्क, जहाँ वाइट चाहिए वहाँ वाइट, ये बेसिक जो हमारे ड्राइंग का फंडामेंटल है, जो कलरिंग का फंडामेंटल, सेम मैं यहाँ पे फॉलो करूँगा, और जो इमेज को है वो विजुअली अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करूँगा। अब ये इमेज धीरे धीरे करके हमने बिल्ड की है, ग्राउंड से धीरे धीरे करके, पेंसिल्स के स्केच से धीरे धीरे किया है, तो आप ऐसे ही बिल्ड करें। आप कोशिश करें कि आप धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते रहें कि ये करने से कैसा लगेगा, वो करने से कैसा लगेगा। इससे आपको सीखने को बहुत मिलता है। हो सकता है पहले कुछ स्केचेज आपके ख़राब बने या फिर उतना विजुअली अच्छा ना लगे, बट वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये स्केच ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है मेरा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं बस थोड़ा डिटेल ऐड कर रहा हूँ और जहाँ पे ब्लैक्स या वाइट्स की ज़रूरत है वो कंप्लीट कर रहा हूँ। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, और इस तरह से प्रैक्टिस आप करते रहें जितना आप कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी सारे वीडियोज़ को फॉलो करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। बाय।